हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे सुबह के 4:30 और मैं और विनीत जी जागे हैं क्योंकि आज हमारे घर पूजा है। आज है ना, घर में सारे में साफ सफाई, थोड़ी क्लीनिंग करके तब पूजा होगी, तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ा। मुझे आ रही है, जी लगा हाँ लेती हूँ झाड़ू, फिर लगाना है पोछा। बच्चे सो रहे हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रही ज़्यादा। किचन साफ़ किया बस अभी, मतलब स्लिप साफ़ किए, क्योंकि चूहे वूहे घूमते रहते हैं ना, तो अच्छा ही लगता है। अब पर झाड़ू लगाऊंगी सारे में। यहाँ मम्मी चला रही हैं मट्ठा, क्योंकि आज ज़रूर चलेगा हमारे यहाँ। और दिन चले ना चले, क्योंकि हमारे यहाँ आज ये दूध दही मट्ठा के लिए ही पूजा हो रही है। और ये कुछ आलू हैं जो हमने धोए थे, बॉईल करेंगे इनमें से कुछ और कुछ कर दिया। और विनीत जी यहाँ सफाई भी कर रहे थे, और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ बन रही है मेरी खीर। ये देखिए, हम लोग है ना दूध में चावल डालते हैं, कुछ लोग बॉईल करके बनाते हैं चावल। और ये इधर बन गई है हमारी सब्ज़ी। और मेरे काम में थोड़ा विनीत जी ने भी हेल्प की थी, सब्ज़ी उन्होंने बनाई, खीर मैंने बनाई। और ये देखिए, कढ़ाई में हमने रख दिया देसी घी, और अब बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। यानी जो भी टोटल काम है वो हमारा आज घी, दूध, दही, मठा जो है सब इसी का होगा, इन्हीं की पूजा होगी। यानी इनका हम जो देवी पूजने जाएंगे वो इन्हीं सब कामों से, इन मतलब ये सब चीज़ यूज़ की गई हूँ उसमें। तो ये देसी घी की पूड़ियाँ बन रही हैं। पहले देवी के लिए अठावरी बनाएंगे हम, वहाँ पूजा करने जाएंगे। और ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। यानी सब इतना जल्दी जल्दी किया था, बहुत ज़्यादा। और मैं फिर खाना बनाने के बाद में, यानी भगवान जी के लिए जो बनाना था वो पहले रेडी कर दिया था। जैसे ये देखे, तो मैं फिर बाद में तैयार हो रही थी। और देखिए थाली में क्या क्या है, धूप है, खीर है, और ये देखिए पूजा, मतलब पूजा की धूप की पुड़िया है, बताशे हैं, धूप बत्ती है, जो भी चीज़ है सब, और अठावरी, ये सब वहाँ पे। और एक कंडी, कंडे के ऊपर एक कंडी कर बना के ले जाएंगे, मतलब धूप जो बोलते हैं नवदुर्गों में करते हैं ना, ऐसे ही। और देखिए हम जा रहे हैं चामर की तरफ। विनीत जी के हाथ में आग लग रही है, यानी अग्नि लग रही है। और ये देखिए हम आ गए हैं अपनी चामर मैया पे। ये है हमारी धूप। और यहाँ पे हमेशा आपको कुत्ते मिलेंगे, ये कहते हैं कि इन देवी के, ये जानवर इन्हीं देवी के होते हैं सब, इसीलिए पूजा करनी होती है। और फिर हम लोग पूजा करके आ गए थे। जैसे वहाँ पे कंडी पे जो रखा था ना, वो जो सब चीज़ें ले गए थे वहाँ पे, पूजा वूजा जैसे होती है नवदुर्गों में ऐसे ही करके आते हैं। फिर हम लोग खा रहे थे खाना। आज नेल पेंट लगाने का मन हो रहा था। मैं वैसे बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि ये ना सूखता नहीं था, और काम की इतनी जल्दी रहती है, काम खत्म ही होके नहीं देखता देता एक तो। और फिर जब भी टाइम मिलता है तो ये लगता है कि अब आराम कर लो। पर अब मैं लगा लेती हूँ कुछ दिनों, मतलब कुछ टाइम से, जब से मुझे पता चला है। मुझे ये टिप्स दिया था किसी ने, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप नेल पेंट लगाएं और आपको जल्दी है, अर्जेंट पार्टी वार्टी आ जाती है, तो नेल पेंट रह जाता है क्या, ये कपड़ों से लग जाएगा, तो इसी ऐसे तो पता है। लगाने के बाद जैसे आपने नेल पेंट लगा लिया है और आपको कहीं जाना है, तो आप नेल पेंट लगा लें, जितने भी कोट लगाना चाहते हैं, और उसे
चिल्ड पानी में ऐसे करके डिप कर दें। तो मेरे पास तो अभी चिल्ड पानी नहीं है और मेरा काम फ्री हो गया तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं, पर मैं आपको दिखाने के लिए मैं पानी लेके आई हूँ और मैं इसमें पानी में डिप करूँगी हाथ। चिल्ड नहीं है हमारे, तो नल का ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आता है। ये देखो देखो एकदम देखो, छूटती नहीं बिल्कुल भी, सूख गई ना, आप देख सकते हो बहुत जल्दी सूख जाती है। आप कभी ट्राई करके देखना। मैं भी पता है जब से मुझे ये टिप्स पता चला है ना, तो मैं लगा लेती हूँ, पर हालांकि मुझे इतना क्रेज़ नहीं है नेल पेंट लगाने का, पर मैं लगा लेती हूँ। और आज मन कर रहा था क्योंकि मैंने रेड चूड़ी पहनी है, तो मैंने कहा रेड नेल पेंट भी लगाऊँ। आज सुबह से अभी टाइम यही हो रहा होगा 12:30 या 1 बज रहा होगा, हम लोग अभी फ्री होके आए थे। मेरे बाल गीले इसलिए मैंने फोन कर रखे, मुझे खुले बाल बहुत कम पसंद। तो हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, ये जो होती है ये काफ़ी मतलब बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। हम लोग तो न्यू जनरेशन है तो हम लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं। तो मम्मी बताती रहती है कि चामुंड, आपने देखा चामुंडा मैया बोलते हैं वैसे ऐसे है। हमारे यहाँ गांव में चामुंड बोलते हैं, वैसे चामुंडा मैया होती हैं। तो इनकी धूप करके आते हैं वहाँ पे, और फिर आके जो जल बचता है थोड़ा सा जल बचा के लाते हैं, तो भैंस के खूंटे पे डालना होता है। और जो पूड़ी लाते हैं उनमें से एक एक पूड़ी जो भी हमारे घर भैंस है उनको दे देते हैं, और जो बचती हैं उनमें बढ़ा के पंडित को देते हैं। हालांकि हम भी पंडित हैं, पर कोई और हो, जैसे होते हैं ना कि पंडित जी होते हैं या पंडितानी होती हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे उनको चली जाती है थाली। कल पता है मैंने बोला था कि मैं आपको वाइटी टिप्स दूंगी कुछ, तो देखिए ज़्यादा मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, पर जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। मैं बहुत लोगों के चैनल देखती थी कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, एल भी कर रहे हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो देखो मेरा मानना है, पहला सजेशन मैं दूंगी, देखो आप एल भी करके वॉच टाइम बढ़ा रहे हो वो ठीक है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे इतने, तो आप एल भी करके वॉच टाइम तो बढ़ा लेते हो, पर आपके व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं ज़्यादा। और पहले तब भी जब मैंने चैनल ओपन किया था तब एल भी करते थे तो चीटी थी, एल भी करते थे तो सब्सक्राइबर मिल जाते थे, वहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाते थे, पर अब तो ये सब वाईटी ने बंद कर दिया। अब तो चैनल को सर्च करके ही हम किसी के चैनल को सर्च करके फ्रेंड बना सकते हैं। और आप एल भी करके हम व्यूज़ नहीं ला सकते, आपका चैनल मोनो हो जाएगा, पर आपका जो आगे जो ज़रूरत होती है ना डॉलर बनाने की, व्यूज़ लाने की, वो नहीं आएंगे। और जब भी रिप्लाई दो तो वाईटी स्टूडियो से दो, वाईटी ऐप आता है ना, वाईटी स्टूडियो ऐप, तो आप वहाँ से रिप्लाई दो तो आपको ना तो कोई हार्म्स होगा और ना ही कुछ, क्योंकि ये ना वाईटी जो यूट्यूब है वो सब देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उसको सब पता चल जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप अपनी वीडियो पे जाके रिप्लाई दोगे और फिर उसकी वीडियो वॉच करने जाओगे तो उससे ना हमारे लिए या तो हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, और यानी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या फिर WT घट जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप रिप्लाई देते हैं तो आप वाईटी स्टूडियो से दो। मैं भी वाईटी स्टूडियो से ही देती हूँ, क्योंकि पहले स्टार्टिंग मुझे भी नहीं पता था, पर मैं हमेशा अब वाईटी स्टूडियो से ही देती हूँ। और जब भी किसी की वीडियो पे जाना होता है तो मैं फिर वहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन में जो आती है लिस्ट, वहाँ पे दिखता है कि हमें किस किस ने यानी क्या कमेंट किया, तो आप कमेंट कैसे जा सकते हैं, पर रिप्लाई आप वहाँ से ना दें। बारिश का मौसम हो रहा था तो आज मैं पहले ही बांध के आ गई पड्डे को, क्योंकि फिर मैं भीग जाती। उस दिन पता है मेरा सर वर सब मैं भीग गई थी, तो मुझे थोड़ा पेन रहा था सर में रात को, इसीलिए मैं पहले ही बांध आई। मम्मी बोली जा पहले ही बांध के आ। मम्मी पता है हमारी इन्हीं कामों के लिए रहती हैं कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं भूल जाते हैं, पर मम्मी को ये चीज़ का बड़ा रहता है कि अब पड़िया बांध के आओ, धूप आ गई होगी, या पड्डा बांध के आओ, बारिश आने वाली है, भैंस का टाइम हो गया, सानी करो, ऐसे। आज मुझे बारिश में सानी करनी पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ है तो सही, हल्की हल्की आप देखो खुद ही पड़ रही है,
पर ना मैं सोच रही हूँ कि ना अभी कर दूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं मैं सारी भीग जाऊँगी बाद में। हल्का हल्का झड़ना है, झड़ने से थोड़ी तेज़ है। और भैंस चारा भी खा लेंगी बारिश आने से पहले, अगर तेज़ आ गई तो वो सारी बह बह के सारे उसमें से निकल जाएगी। आज चारा जो हमने ना अभी बारिश आने से पहले बोला था, क्योंकि सुबह जल्दी की पूजा करनी थी तो ये ठीक था। बारिश आने से पहले गोद दिया है और मेजी है नहीं, इसलिए मुझे सानी करनी पड़ी, वो चले गए। अभी मैं सारी भीग गई, बैक साइड से सारी भीग गई, थोड़ी थोड़ी बारिश से ही अब तो तेज़ सी होने लगी है। अभी मुझे भैंस और फूल के लानी है, अगर भाग गई ना, आज तो साड़ी भी वैसे वेयर कर रखी है, गिर हो जाऊंगी। ये देखिए खेतों में बारिश, मतलब इतना भी पानी नहीं भरा है पर भर गया है इनमें। जैसे बगुले कीड़े वीड़े खाते हैं ना तो वो ऊपर आ जाते हैं पानी की वजह से। तो ये देखिए कितने सारे बगुले कीड़े खाने में अपना नाश्ता कर रहे हैं, मतलब पेट भर रहे हैं अच्छे से। तो इनकी तो आ गई मौज। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।